वालेकुम मैं हूँ डॉक्टर मरीम गर्मी के जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके बहुत से प्रॉब्लम्स भी हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं जिनमें हीट रैश सनस्ट्रोक हीट स्ट्रोक है डिहाइड्रेशन है ये बहुत कॉमन इसके जो हैं प्रॉब्लम्स हमें आजकल फेस करने पड़ रहे हैं लेकिन इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं वाटर मेलन इज़ वन ऑफ अमंग डैम जिसके बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये हाइड्रेशन का बहुत अच्छा सोर्स है हम हमें जो गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो रही होती है उसको कम्बेट करता है इसमें नाइन्टी तक वाटर होता है और इसमें मिनरल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमारे सेल्स की हाइड्रेशन को मेनटेन करता है और वहाँ पर मिनरल्स का लॉस भी कम से कम होने देता है इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है इसको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि इसमें पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है इसके अलावा इसमें लाइकोपिन होता है जो कि हार्ट रेट को बैलेंस कर रहा होता है उसको कम या ज़्यादा नहीं होने देता है इसके अलावा अगर देखें तो ये हमारी स्किन के लिए बोन के लिए मसल्स के लिए हेयर uh, के लिए और गम्स uh, के लिए और वूड हीलिंग में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि इसमें वाइटामिन सी होता है जो कि कोलाजिन प्रोड्यूस कर रहा होता है और इसके अलावा कोलाजिन जो होता है वो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन कर रहा होता है और एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है साथ ही ये इम्यून बूस्टर है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट uh, कर रहा होता है इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ uh, ज़्यादा बनाता है और डब्ल्यू को uh, बढ़ाता है और हमारे डिफेंसिव मेकनिज़म को स्ट्रॉन्ग करता है इसके अलावा हमारी मसल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है जैसे कि कोई वर्कआउट कर रहा है या जिम जाने वाले जो लोग हैं वो इसको स्नैक के तौर पर ले सकते हैं क्योंकि ये आपके मसल्स को फौरी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए ये स्ट्रेस को भी मैनेज कर रहा होता है इसके अलावा ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है फाइबर बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है लेकिन इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है और डाइजेशन में हेल्प करता है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और इसका कैलोरी कंटेंट जो है वो कम है तो काफ़ी देर तक हमें भूख का एहसास नहीं होने देता है फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है और डाइजेशन uh, को इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और इसके अलावा हमारे जिसम में से टॉक्सिन को और फैट्स को फ्लश आउट करने में हेल्प कर रहा होता है ये डायरेटिक के तौर पे भी काम कर रहा होता है इससे यूरिनेशन ज़्यादा हो जाती है और हमारी किडनी जो है वो हेल्दी रहती हैं अगर आपको वाटरमेलन पसंद नहीं है तो आप इसका जूस भी बना सकते हैं जूस के लिए आपने क्या करना है कि ब्लेंडर में इसकी क्यूब्स करके डाल लें उसके साथ आप पुदीना डालें थोड़ा सा आप पिंक सॉल्ट इसमें थोड़ा सा ऐड करें और साथ में थोड़ा सा लीम ऐड करें इसका एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा जूस बन जाएगा इसके साथ मैं आपको बताऊं कि आपने इसको दूसरे लिक्विड्स के साथ नहीं लेना है जैसे कि दूध हो गया पानी जूस या किसी और लिक्विड के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो डायरिया कॉज हो सकता है ठीक है कोशिश करनी है कि इसके सीड्स जो हैं वो हम एज़ इट इज़ ना लें उसको अगर हम खा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली चबा के खाएँ या फिर अगर जूस बना रहे हैं तो वो प्रॉपरली ग्राइंड होने चाहिए उनका अच्छे से पेस्ट बनना चाहिए क्योंकि अगर वो फुल फॉर्म उसकी चली गई हम हमने इन्जस्ट कर ली तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी काज कर सकते हैं सो इसके लिए हमें थोड़ा इसका ख्याल रखना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड मज़दीद वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें